हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वैश्विक एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास सेवन्थ का एसिड बेस एंड सॉल्ट साइंस का चैप्टर नंबर 4। एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में आज बात करेंगे और डिटेल में आप सभी को जानकारी देंगे इसके बारे में। इससे पहले भी हम लोग 3 चैप्टर कवर अप कर चुके हैं, न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स, न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल्स, और एक था सब्सटेंस करके जो था केमिकल सब्सटेंस एंड प्रोसेस करके, वो वाला चैप्टर। मतलब 3 चैप्टर यहाँ पास हम लोगों ने कवर अप कर लिया है साइंस का, और ये 4 नंबर चैप्टर यहाँ पास कवर करने जा रहे हैं। फिलहाल अगर इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस की बात कर ले तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका जब आगे आप सीनियर क्लासेज में जाएंगे यानी क्लास टेंथ में जब जाओगे आप, तो क्लास टेंथ में चैप्टर नंबर 3 आपको ये मिलने वाला है एसिड बेस एंड साल्ट का। तो इसलिए आइए थोड़ा सा इस चैप्टर में आपको कुछ बेसिक है और एडवांस लेवल का वहाँ पास आपको पढ़ना है क्लास टेंथ में। और जल्द ही हम लोग क्लास टेंथ का एसिड बेस एंड साल्ट का वीडियो भी आने वाला है। और फिलहाल तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए और इसमें जो भी जानकारी आपको मिलना चाहिए वो हम दे रहे हैं, ठीक है। और अगर एडवांस लेवल की नॉलेज चाहिए तो आप उस वो वाला वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। दिन 1 से 2 वीक के अंदर में आपका वो वीडियो आने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस क्लास को शुरू करें। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सिंपली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे वैश्विक एकेडमी के बगल में आपको रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा रहा है उसको दबा दीजिएगा, और एक बेल आइकन आएगा उसको भी दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मेनली अगर हम बात करें इसका एसिड का, तो एसिड बेस एंड साल्ट जो चैप्टर है आपको क्लास टेंथ में पढ़ना है, पहले भी बता चुके हैं। इससे पहले जो हम लोग चैप्टर पढ़े थे केमिकल सब्सटेंस एंड प्रोसेस, उसमें हम लोग मैटर्स के बारे में, मटेरियल्स के बारे में, उसके स्टेट्स हो उसके स्टेट्स, उसका नेचर, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, उसमें हम लोग इम्प्योर और एलिमेंट्स थे, एटम्स थे, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, सारे चीज़ों को डिटेल में बात कर चुके हैं। फिलहाल अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो यहाँ पास जो है, यहाँ पास हमारे आसपास में काफ़ी ज़्यादा जो मटेरियल है उसी के में से एक, और ये उसी को हम लोग जो है अगर डिफ्रेंशिएट करें, अलग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं उसको, तो उसके किसी न किसी आधार पे, फिजिकल बेसिस पे भी, मतलब उसका शेप एंड साइज के बेसिस पे, या उसका नेचर, बिहेवियर, उसके आधार पे किसी न किसी मतलब किसी न किसी प्रॉपर्टी पे ही उसको हम लोग अलग करते हैं। अगर हम बात कर ले यहाँ पास से, तो ये एसिड क्या है, बेस क्या है और सॉल्ट क्या है, तो ये एसिड बेस और साल्ट ये तीनों का तीनों भी किसी न किसी सब्सटेंस का एक तरह का बिहेवियर, एक तरह का नेचर है, ठीक है। अगर हम बात करें तो आगे चले एसिड की, एसिड क्या है, तो देखिए दुनिया का वो हर एक वस्तु, हर एक मटेरियल्स, यहाँ पास देख सकते हैं आपको ये डिफिनेशन भी देखने को मिलेगा, द मटेरियल्स टेस्ट सावर, जिन्स जो दुनिया का वो तमाम चीज़ें, वो तमाम वस्तुएँ जिसका टेस्ट जो है, जिसका टेस्ट, जिसका फ्लेवर जो है, अगर सावर है यानी खट्टा है, वो सारे क्या कहलाएंगे, वो सारे के सारे एसिड कहलाएंगे, ठीक है। एसिड मेनली आपको जो है इसके कहाँ कहाँ होंगे, किस किस, हम लोग जनरली डेली लाइफ में भी एसिड का काफ़ी ज़्यादा यूज कर रहे हैं। कुछ ऐसे तो आपको भी मालूम होगा, अगर टॉयलेट क्लीनर की बात कर ले, नींबू जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें भी यहाँ पास है, तो काफ़ी ज़्यादा ये है। अब हम लोग बेस की बात कर ले थोड़ा सा, कि बेस क्या है, तो बेस देखिए वो बेस का मतलब होता है झाग वाला, यानी इसकी जो टेस्ट होगी बेस का, एसिड का टेस्ट हो जो होता है, एसिड का टेस्ट होता है सावर, और बेस का टेस्ट होता है बीटर, यानी तीखा जिसका टेस्ट लगेगा वो सारे क्या होंगे, बेसिस कहलाएंगे, और जिसका नमकीन यानी सॉल्टी लगेगा टेस्ट, वो सॉल्ट्स कहलाएंगे। तो एसिड किस कैसा, एसिड नेचर के आधार पे, मतलब उसके टेस्ट के आधार पे ये तीनों को डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है, सावर टेस्ट एसिड, और बीटर टेस्ट बेस कहलाएगा, और साल्ट टेस्ट साल्ट कहलाएगा। फिलहाल हम बात करें एसिड का, तो देखिए एसिड को हम लोग अपने घर पर इसका यूज नहीं करना है। एसिड के बारे में बात कर रहे हैं, एसिड वर्ड कैसे आया, एसिड जो वर्ड है वो आया था लैटिन वर्ड एसिडस से, ठीक है। लैटिन वर्ड आपने मैथ्स मैथमेटिक्स वगैरह में या साइंस में आगे भी पहले भी सुने होंगे, जब एटम एंड मॉलिक्यूल्स बता रहे थे तो उसमें भी हमने बताया था कि लैटिन नेम होता है, ग्रीक नेम भी होता है, मतलब कंट्री के आधार पे ही, कंट्री जो डिस्कवर करती है उसी के आधार पे होता है। तो यहाँ पास लैटिन नेम आया था इसका, जो लैटिन जो है लैटिन वर्ड एसिडस, एसिडस से आया है एसिड। एसिडस का मतलब क्या होता है, एसिडस का मतलब लैटिन वर्ड है एसिडस, लैटिन वर्ड है एसिडस, इसका मतलब होता है शावर, ठीक है, खट्टा, इसी से ये वर्ड आया है एसिड।
एसिड को दो भागों में बांटा गया है, मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। अगर हम बात कर ले मिनरल एसिड का कि मिनरल एसिड मेनली कहाँ क्या क्या होता है, तो मिनरल एसिड जो है वो सारे एसिड को कहेंगे जो मिनरल से बने हैं, जो मिनरल से प्रिपेयर्ड हैं वो मिनरल एसिड कहेंगे। अगर उसकी एग्जाम्पल की बात कर ले तो आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला HCl होता है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला H2SO4 होता है, नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये तमाम एसिड इसके यूजेज भी हम आपको आगे समझाने वाले हैं। अगर हम बात करें HCl का या H2SO4 का, तो ये दोनों का दोनों जो है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, एसिड में भी दो तरह के एसिड होंगे जिसमें आगे हम बताएंगे डाइल्यूट और कौन कौन किस आधार पर मतलब इसको स्ट्रॉन्ग और वीक बोला जाता है, वो भी हम आगे हम समझाने वाले हैं। तो यहाँ पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक HNO3 हो गया, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड और फॉस्फोरिक एसिड। तो ये सब जो भी अभी हमने नाम बताया, ये तमाम जो एसिड है वो सभी का सभी क्या है, मिनरल्स एसिड। ये मिनरल्स एसिड क्यों है, क्योंकि ये मिनरल से बनाए जाते हैं, इसलिए बने होते हैं इसलिए। ठीक है, अगर हम बात कर लें ऑर्गेनिक का, तो देखिए मेनली अगर हम बात कर रहे थे मिनरल्स एसिड का, तो मिनरल्स एसिड को हम लोग भी अपने लैब में लेबोरेटरी में बना सकते हैं। ठीक है, मिनरल्स एसिड को हम लोग लेबोरेटरी में अपना बना सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी डेंजरस होगा। ठीक है, विदाउट टीचर आप लोग कुछ भी नहीं इसके बारे में कर सकते हैं। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक क्या है, ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है जैविक। ठीक है, मतलब जीव जंतुओं में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक एसिड, वो एसिड है जो मेनली ऑर्गन्स वगैरह जीव जंतुओं में, मतलब कि यहाँ पास जो है काफ़ी ज़्यादा। अगर हम इससे पहले एक एग्जाम्पल जो दे रहे थे कि नींबू में, तो नींबू में जो था ना वो सिंपली किस में आएंगे, ऑर्गेनिक एसिड में। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो जो द एसिड विच आर जनरली फाउंड इन ए प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स में जो मिलेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। और इसकी एग्जाम्पल की बात करेंगे आगे, तो ऑरेंज में ऑक्जैलिक एसिड है, टर्टरिक एसिड है, साइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, और इन सभी के बारे में अगर आप नोट एक टेबल चाहिए जिसमें कौन से में किस में क्या होता है, तो उसका टेबल भी हम आपको जरूर प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको सिंपली व्हाट्सएप पे जुड़ना होगा, व्हाट्सएप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप हमसे सिंपली जुड़ जाइए। अगर हम बात करें यहाँ पास, तो ये ऑर्गेनिक एसिड हो गया। ठीक है, यहाँ पास आपका मिल गया है लैक्टिक एसिड, जो कि आपके दूध में मतलब कि दूध से दही जमने के पीछे जो कारण है वो हमने बताया था आपको, लैक्टिक एसिड है। तो वो भी एसिड या कौन से एसिड में आएंगे, ऑर्गेनिक एसिड में। मेनली ऑर्गेनिक एसिड वो सारे एसिड आएंगे जो प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। अगर हम यहाँ पास बात करें स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड का, तो पहले ही हम आपको बता चुके कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये सारे जो एसिड हैं यानी HCl, H2SO4 वगैरह, तो ये सारे एसिड क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड होने के पीछे कारण क्या है, इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब ज़्यादा है इसमें, मतलब अगर किसी भी तरह का वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है वो काफ़ी कम मात्रा में अवेलेबल होगा या ना के बराबर भी होगा, तो भी इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट है। कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट, दो तरह के एसिड आपको आगे में पढ़ना है, यहाँ पास देख सकते हैं। और डाइल्यूट क्या होंगे, उसमें लो कॉन्सेंट्रेशन होगा, मतलब कि देखिए एक चीज़ और, एक्सपेरिमेंट में कभी कभी लोग पूछ भी देते हैं इस पे क्वेश्चंस आपको कि आप एसिड में पानी मिलाओगे या पानी में एसिड मिलाओगे, किस तरह से बनाओगे, डाइल्यूट करना है एसिड को। तो देखिए जनरली क्या होता है कि इस पानी में एसिड जो है ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, एक तरह से बोले तो बाथरूम क्लीनर आप देख रहे हैं ना, तो बाथरूम क्लीनर क्या है, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हम लोग पानी में मिलाते हैं। उसी ढंग से यहाँ पास ये भी है कि एसिड को ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में बूंद बूंद से आप वाटर में मिलाएंगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, और अगर वाटर में मिलाते ही नहीं है तो वो क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी उसमें पूरी का 100% क्या है, एसिड है। और इसमें क्या, जिसमें हम लोग डाइल्यूट करेंगे उसमें पानी मिल जाएगा, तो कुछ ना कुछ परसेंटेज जो 100% था वो अब लो हो जाएगा, उसकी कंसेंट्रेशन लो हो जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा, डाइल्यूट एसिड। ठीक है, आगे अगर हम चले बेसिज एंड अल्कोहली के बारे में, तो देखिए एसिड अभी तक हम लोग जितना भी समझ रहे थे वो एसिड था, एसिड मतलब टेस्ट, जो जिसके टेस्ट जो भी मटेरियल्स का टेस्ट खट्टा होगा वो सारे एसिड होंगे। एसिड दो तरह के थे, मिनरल्स एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। आगे इसके बारे में एडवांस लेवल में हम लोग क्लास 10th का जब कवर करेंगे ना, तो एक बार जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा और अभी ज़्यादा विशेष इसके बारे में नॉलेज आपको हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर टॉपिक है हमारा बेसिज एंड अल्कलीज। बेसिस क्या होंगे, तो इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि जिसका जो मटेरियल्स का टेस्ट बीटर होगा वो सारे के सारे क्या होंगे, ये बेसिस कहलाएंगे। अल्कलीज क्या है,
अल्कली जो वो सारे बेस है, देखिए वो बेसिस जो वाटर में सोल्यूबल हो, वो सारे बेसिस जो वाटर में सोल्यूबल हो वो क्या कहलाएंगे, वो अल्कलीज कहलाएंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, देखिए डिटर्जेंट जो है, डिटर्जेंट पाउडर हो या डिटर्जेंट का कोई भी लिक्विड भी आता है, तो वो सारे क्या कहलाएंगे, वो सारे के सारे बेसिस हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है वो उसका जो टेस्ट भी होगा वो बिटर होता है, और इस वाटर में क्या है वो सॉल्यूबल है, तो वो अल्कलीज भी कहलाएंगे। ठीक है, और इसका फॉर्मूला वगैरह डिटेल में कैसे डिटर्जेंट बनता है, इस क्लास 10th में आपको इसके बारे में पढ़ना है डिटेल में। ठीक है, अगर हम मेनली कुछ, अगर जिस तरह से हमने वहाँ पास बेस एसिड का कुछ एग्जाम्पल बताया था कि HCl होता है, H2SO4 वगैरह, HNO3 होता है, तो इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पास सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, NaOH सोडियम और हाइड्रोक्साइड यहाँ पास होते हैं, पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड। अधिकांश अगर हम बात करें कि जितने भी हाइड्रोक्साइड वाले कंपाउंड होंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड हो, ये तमाम जो है वो सारे के सारे जो कंपाउंड होंगे वो किस नेचर के होंगे, बेसिस नेचर के होंगे। क्योंकि अभी देखिए, अब आप लोग कंपाउंड बनाना सीख चुके हैं, क्योंकि पिछला जो चैप्टर था केमिकल सब्सटेंस एंड प्रोसेस, उसमें आपको बताया गया था कि कंपाउंड कैसे बनाते हैं और किस तरह से केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, केमिकल सिंबल क्या होता है, सारे डिटेल में। अगर हम आगे की बात करें तो यहाँ पास आपका ये था। अगेन अब समझ में आ रहा है, अब समझना ये है कि एसिड और बेस है तो हम हाउ टू आइडेंटिफाई, मतलब इसको पहचान कैसे करेंगे ये एसिड है कि बेस है, तो इसके लिए हमें क्या जरूरत होगा, एक इंडिकेटर की जरूरत होगी। क्या? जो वो इंडिकेट करके बताए कि हाँ ये एसिड है, एक बेस है। देखिए इंडिकेटर की अगर हम बात करते हैं तो इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर वो सब्सटेंस होगा, वो सारे मटेरियल्स कहलाएंगे इंडिकेटर, जो किसी भी एसिड और बेस, किसी भी मटेरियल्स को में एसिड या बेस को वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें वो इंडिकेटर का, यहाँ पास एसिड और बेस को, एसिड बेस वाले इंडिकेटर में कुछ नेचुरल इंडिकेटर भी हैं और कुछ मैनमेड इंडिकेटर हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर की बात करें तो टर्मरिक, जो कि हल्दी की बात करें, हल्दी जो है नेचुरल इंडिकेटर है, एसिड और बेस पहचानने में वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। अगर हम बात करें मैनमेड का, तो यहाँ पास लिटमस पेपर का एक नाम सुने होंगे आप लोग, मार्केट में काफ़ी इजीली अवेलेबल भी है, 5 से 7 रुपये में मिलता है पेपर, और आपकी लेबोरेटरी में भी अवेलेबल होता है ये लिटमस पेपर जो है, लिटमस पेपर। दूसरा होता है पीएच स्केल, ठीक है, लिटमस पेपर, पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल के बारे में क्लास 10th में हम आपको डिटेल में बताएंगे, लिटमस पेपर, पीएच स्केल होता है, और ये दोनों जो है क्या है, मैनमेड है, और बाद बाकी सारे थे वो नेचुरल वाला में। अगर हम लिटमस पेपर की बात करें तो लिटमस पेपर जो है लाइकेन नामक एक पौधा होता है, जिससे ये लाया जाता है, जो जो ये मेनली इसका जो कलर होता है वो कलर होता है पर्पल। ठीक है, ये लिटमस पेपर जो है बाबू ये पर्पल कलर का होता है। अगर आप इसको एसिड वाले सब्सटेंस, मान लें कोई लिक्विड रखा हुआ है, उसके बारे में हमें मालूम नहीं है कि वो किस कलर का है, मतलब सॉरी किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का या बेसिक नेचर का, तो ये क्लासिफाइड करने के लिए हम लोग उस लिटमस पेपर का यूज कर सकते हैं। और वो अगर उसकी कलर, उसका अगर कलर जो है वो चेंज कर जाए और रेड हो जाए, उसका पहले से कैसा था, पर्पल था, और चेंज करने के बाद अगर रेड हो जाता है, इसका मतलब वो कैसा सब्सटेंस है, एसिडिक सब्सटेंस है, एसिडिक मटेरियल है, एसिड नेचर का वो है। अगर हम बात करें, और अगर वो रेड लिटमस हो और उसको अगर हम लोग किसी अदर लिक्विड में मिला रहे हैं और वो ब्लू हो जाए, ठीक है, ब्लू कलर में आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बेस। ठीक है, रेड हो जाएगा तो इस एसिडिक, और ब्लू हो जाए तो बेसिक, बेसिस नेचर का। हिंदी में अगर इसकी बात करें एसिड का, तो अम्ल कहते हैं बेस को, हिंदी में क्षार कहते हैं, अम्ल एवं क्षार इसको हिंदी में बोल सकते हैं। मेनली अगर आगे हम बढ़े तो टर्मरिक के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि टर्मरिक भी एक गुड इंडिकेटर है, और लेकिन ये नेचुरल है और काफ़ी इजी है, हम लोग घर पे भी इसके एक्सपेरिमेंट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, टर्मरिक का क्या होगा, कैसे होगा, तो टर्मरिक अगर हम किसी लिक्विड में, मान लीजिए कि लिक्विड रखा हुआ है हमारे घर पे, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करना है कि इसमें एसिड है कि बेस है, तो मेनली हम लोग जब हल्दी इसमें लेकर के आएंगे, टर्मरिक हल्दी के है उसको लेकर के आएंगे, अगर उसके कलर चेंज हो जाए और वो रेड हो जाए तो मेनली वो क्या होंगे, एसिडिक होगा, ब्लू हो जाए तो फिर क्या कहलाएगा, वो बेसिक कहलाएगा, बेसिस कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास ये थे कुछ।
और भी अदर मेथड है जिससे हम लोग इसको पहचान सकते हैं, ठीक है। अगर हम नेफ्थलीन बॉल की बात करें, ठीक है, जो कपड़े में रखा जाता है, उससे भी हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं। आप यहाँ पास देख सकते हैं, मेनली जब वो मेनली होता क्या है, वो वाइट कलर का होता है, अगर बोले तो कलरलेस होता है वो। अगर लेकिन जब एसिडिक के सब्सटेंस में, एसिडिक मटेरियल में उसको लाइएगा, तो वो जनरली अपना जो है चेंज कर देगा नेचर, और वो कलरलेस हो जाएगा। वाइट कलर का वो होता है पहले से नेफ्थलीन बॉल, फेनोफ्थलीन, और ये वो वाइट कलरलेस हो जाता है एसिडिक में। अगर वही पिंक हो जाए, गुलाबी हो जाए, इसका मतलब वो क्या है, नेचर उसका बेसिक है। देखिए, अगर हम लोग जब वो पिछला जो चैप्टर था हमारा केमिकल सब्सटेंस एंड प्रोसेस वाला, तो उसमें काफ़ी सारा रिएक्शन के टाइप्स आपको सिखाया था हमने, कॉम्बिनेशन था। और भी आगे जब क्लास 10th में जाइएगा ना, तो सबसे फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन वाला, तो उस चैप्टर में आपको काफ़ी सारे रिएक्शंस के बारे में पढ़ने हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट करके। अगर हम यहाँ पास बात करें, तो एक और रिएक्शन है जो काफ़ी हेल्प करता है आगे में, और इसके बारे में एसिड बेस एंड साल्ट में ही मेनली पढ़ा जाता है इसको, ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए, इसके बारे में आप पहले भी सीखे, जब आयंस हम बता रहे थे, तो आयंस में हमने बताया था कि पॉजिटिव आयंस होंगे और निगेटिव आयंस साथ में आते हैं, तो न्यूट्रल यहाँ पास जो है कंपाउंड एक तरह का न्यूट्रल सा बनेगा, जो कि आयोनिक नहीं होगा, आयोनाइज नहीं होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पास न्यूट्रलाइज रिएक्शन की बात करें, तो मेनली यहाँ पास क्या होते हैं कि एसिड एसिड और बेस, एसिड प्लस बेस मिलकर के सॉल्ट बना लेता है, ठीक है, एसिड और बेस मिलकर के सॉल्ट बना लेता है। तो ये जो रिएक्शन जो हुआ, ये कैसा रिएक्शन है, देखिए इसका नेचर कैसा खट्टा और इसका नेचर कैसा था तीखा, दोनों मिलकर के ये बनाएगा यहाँ पास ये सॉल्टी नमकीन, ये सॉल्ट बनाएगा मेनली। ये है क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, एसिड और बेस के रिएक्शन को ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। अगर हम यहाँ पास कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह दिया हुआ है, आप कर सकते हैं खुद से भी। अगर हम बात करें कैसे बनते हैं कंपाउंड जो है, देखिए ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का कुछ एग्जांपल दे रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, और HCl क्या है, एसिड है। ये दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन आपस में बन रहा है। तो बनने के बाद जो प्रोडक्ट के फॉर्म में जो मिल रहे हैं, वो मिल रहा है क्या, सोडियम क्लोराइड मिल रहा है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड जो कि हम लोग घर में नॉर्मल साल्ट के रूप में, नमक के रूप में यूज करते हैं, और उसके साथ क्या मिलेगा, ये वाटर मिलेगा। आप इसका रिएक्शन जो है वो लैब में कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए टीचर, मतलब अपने टीचर की हेल्प से आप ये कर सकते हैं लेबोरेटरी में। अगर हम यहाँ पास आगे बात करें, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देखिए सोडियम और पोटेशियम का ही ज़्यादा जो कंपाउंड आपको क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स में है, ठीक है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है। अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को H2SO4, देखिए ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों से कंपाउंड बनाएगा, तो क्या बनाएगा, K2SO4 और H2O बनाएगा। ए KOH क्या था, बेस था, और H2SO4 क्या था, एसिड था। इस ढंग से एसिड और बेस मिल करके एक सॉल्ट बनाएगा, इसकी जो नेचर होगी सॉल्ट होगी, और साथ में वाटर जो है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में देगा। अगर हम नेमिंग की बात करें नाम का कि नेमिंग ऑफ साल्ट करके, तो साल्ट का जो नेम है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में रख सकते हैं कुछ भी, मतलब जिस कंपाउंड से, जिस एलिमेंट से आप ये बनेगा, और उसी के अनुसार से यहाँ पास जो है नेम रखा गया। जैसे साल्ट सल्फ्यूरिक एसिड से बनेगा, तो सल्फेट्स उसको कहेंगे, क्लोराइड जिसके हम लोग घर में यूज भी करते हैं और नॉर्मल साइड्स के रूप में, नाइट्रेट होते हैं, सल्फेट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट से बनेगा तो ये कार्बोनेट्स होंगे। मतलब अब अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज का, क्योंकि एसिड और बेस दोनों का हम लोग पहले प्रॉपर्टीज समझ चुके हैं और सीख चुके हैं। साल्ट की प्रॉपर्टी का बात करें, तो प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट में क्या होगा कि साल्ट जो है मेनली एसिड और बेस के रिएक्शन से मिलकर के जब भी बनेगा तो बनेगा। साल्ट क्या होगा, रेडियस रेडियली क्या होता है, वो सॉल्युबल होता है वाटर में, मतलब घुलनशील है, पानी में आसानी से घुल जाने वाला होता है। और क्या है, साल्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, ध्यान समझिएगा, साल्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, कब तक, जब तक वो मोल्टेन स्टेट में है। अगर वो उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, तब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देगा, क्योंकि वाटर क्या है, वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम यहाँ पास कुछ इस ढंग से एग्जाम्पल्स वगैरह हैं, आप देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट की बात करें, तो साल्ट को जो है, दो यहाँ पास साल्ट के क्लासिफिकेशन जो है,
उसके कंसंट्रेशन पे आधार पे, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के अकॉर्डिंगली यहाँ पास बांटा गया है। कि मान लीजिए कि एसिड अगर स्ट्रॉन्ग था और बेस अगर वीक था, तो उन दोनों का जो रिएक्शन के बाद जो आएगा सॉल्ट से उसका अलग होगा नेचर। इसी ढंग से मतलब मान लीजिए कि बेस अगर स्ट्रॉन्ग था और एसिड ही वीक था, उस ढंग से मतलब यहाँ पास जो है सॉल्ट बनेंगे। एसिडिक सॉल्ट कौन होंगे? एसिडिक सॉल्ट वो सॉल्ट होंगे जिसमें एसिडिक नेचर ज़्यादा फाउंड किया जाएगा। मतलब अगर मेनली बात कर दे ये स्ट्रॉन्ग एसिड जो है और वीक बेस के साथ रिएक्शन करेगा, तो वो एसिडिक स्टेट में, एसिडिक सॉल्ट्स में चले जाएंगे, ठीक है। और इसी में बेसिक सॉल्ट्स कौन होंगे, तो बता दिया वो आपको, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड दोनों मिलकर के अगर कंपाउंड बनाएंगे तो वो कंपाउंड होगा बेसिक सॉल्ट्स का, ठीक है, बेसिक सॉल्ट्स का। तो यहाँ पर उम्मीद है कि आपको ये जो टॉपिक है वो, ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। अगर किसी का डाउट है, कोई नहीं समझ में कुछ टॉपिक आया होगा, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को काफ़ी मेहनत लगा है, तो एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी फ्रेंड्स ग्रुप में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सिंपली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे वैसे एकेडमी के बगल में आपको रेड कलर का सब्सक्राइब दिखा रहा है, उसको दबा दीजिएगा। एक बेल आइकन आएगा, उसको दबा दीजिएगा, इससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और किसी ढंग का डाउट हो तो आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें जुड़ करके भी पूछ सकते हैं। तो बनाइए इसका क्वेश्चन सर, और जो दिक्कत होंगी आप हमसे पूछिए सिंपली बेफिक्र होकर के। और क्लास 10th का जो एसिड बेस एंड साल्ट का जो चैप्टर आया है उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का आज की इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ में। धन्यवाद।